पूजा में हम लोग बिजी थे तो कल फोन आ रहा था, आज काम करने निकले था। तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का मेरा न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो सुबह में दोस्तों गया था आज ट्रांसपोर्ट गाड़ी निकाले, लेकिन बेकार हो गया भाई। तो आज कुछ भी काम नहीं हुआ बढ़िया से। तो गया थे सुबह में ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ कल जो बर्फ पूजा था ना, तो कल तो गाड़ी में नहीं है निकाले थे, तो आज निकाले तो आज ओपुर का कमाई नहीं हुआ है अभी तक। तो आज बोहनी भी नहीं हुआ है, किसी किसी दिन तो बहुत बढ़िया कमा लेते हैं। तो अभी तक अगर काम चलता ना तो 1000-1200 रुपया का काम हो जाता, लेकिन अभी नहीं हुआ तो कोई काम नहीं हुआ है। तो अभी मतलब ट्रांसपोर्ट से वहाँ हम लोग 1 घंटा बैठे वहाँ पे, और उसके बाद जो है हम लोग फिर निकल करके आ गए और इस तरह से रोड में बैठे हुए थे। यहाँ पे अभी देख सकते हैं चारों तरफ रोड है और यहाँ पे किसका मोड़ है, और इधर से जाते हैं रूम बगले में है। तो रूम बगले में है तो अभी सोच रहे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है और आज कमाए भी नहीं है तो क्या खाएंगे। अगर कमाते हैं ना तो 10-20 रुपया तो खा लेते हैं तो दिक्कत नहीं बुझाता है, तो नहीं कमाए हैं तो भाई खर्चा भी मतलब करने में कहाँ से करिएगा। और मतलब जो 100-200 लेकर निकलते हैं तो तेल भरने में काम आ जाता है। तो अभी तक कोई कस्टमर नहीं मिला लोकल भाड़ा वाला, पता नहीं आज किस्मत का हो गया, कोई भाड़े नहीं मिल रहा है, लोकल वाला भी नहीं मिल रहा, बोहनी भी नहीं हो रहा, गाड़ी का किस्ती भरना है वो किस्तियों भर आज नहीं कमाए हैं। तो सोच रहे हैं दोस्तों भूख लग रहा है तो गाड़ी छोड़ दे कि क्या करे, वही समझ में नहीं आ रहा है कि यही जगह छोड़ दे। तो अभी जा रहे, सोच रहे घर जाएंगे, रूम जाएंगे और भात खा लेंगे। तो फोन किए मुनीता जी को, फोन किए तो बोली कि भात है लेकिन सब्जी नहीं है, तो जाएंगे अभी खा लेंगे। क्या कि काम होता ना तो 10-20 रुपया का खा लेते तो दिक्कत नहीं बुझाता, लेकिन काम नहीं हुआ है। बाकी बात ऋषि बाबू का तो अलग खर्चा है, उसको तो आइसक्रीम चाहिए चाहिए, तो आगे आइसक्रीम गया है जाता है तो 20-25-30 रुपया खर्चा हो ही जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं, और अभी 4:30 मतलब लगभग 5 बजने वाला है। तो अभी कभी मोटर खराब हो जा रहा है तो मन कर रहा है गाड़ी अंदर कर दे, दिन भर में कुछ नहीं हो पाएगा क्या होगा तो लग रहा है, लेकिन क्या करे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि हिम्मत हारना नहीं है, आराम से बैठना है 6 बजे तक। अगर ऊपर ट्रिप चल जाए तो गाड़ी की कम से कम किस्ती आ जाएगा तो बात सही हो जाएगा फिर, है ना। तो पेट चलने का तो चलिए जाएगा, पानी में भात खा लेंगे, लेकिन गाड़ी का तो पेट नहीं मानेगा, इसको तेल चाहिए कमाने के लिए। और जो जिसके पास से लोन लिया है उसको तो पैसा चाहिए ही चाहिए महीना में, तो उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो चलना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी सोच रहे गाड़ी यही छोड़ देते हैं और जा करके खाना वाना खा करके आ जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं घर और देखते हैं कि पानी भात की क्या मिलता है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों गाड़ी वहां छोड़ दिए हैं, वहां पे अभी देखिए गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। तो अभी जा रहे हैं रूम, और रूम जा करके अभी देखते हैं कि मतलब क्या बचा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का इधर जाने का रास्ता इधर से है दोस्तों, तो बगले में है रास्ता, तो अभी फटाफट से जाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मतलब बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। तो भूख काफी ज्यादा लग गया है, तो ऐसे तो कभी कभी जो है ना कि भूख रह जाते हैं इस टाइप से, तो लेकिन आज भूख जो है ना कि बहुत ही ज्यादा लग रहा है, इसीलिए अभी जा रहे हैं रूम। तो अभी रूम पहुंच गए दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं ऋषि क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, हाय बोलो, हेलो बोलो। यहाँ देखिए दोस्तों ऋषि खेल रहा है, डांस कर रहा है। अभी डांस कर रहा है ऋषि, और यहाँ देख सकते हैं ऋषि का डांस, देखिए कैसे घोलता घोलता के नाच रहा है। और देखिए ऐसे कौन डांस करना, और कहाँ देखा है पता नहीं कि किस तरह से डांस करता, गिर जाएगा। तो देख सकते हैं ऋषि बबुआ कैसे डांस कर रहा है। तो अभी बैठ गए हैं, और यहाँ भी देखते हैं कि क्या कुछ बचा हुआ है खाने वाने में। और आज वैसे ही तो मूड खराब हो गया, आज बेकार भेद फालतू में निकाल देगा, ये तो अभी तक ट्रीट नहीं चला।
लगता है कल इतना पूजे कर दी ना, इतना मनोकामना मांग दी कि भगवान सोचा कि कम से कम आज बॉडी रेस्ट मिल जाए। निकले कमाने, कोई कामे नहीं मिला। कहा कि काम मिलता तो उसको काम करना पड़ता ना, बोना पड़ता, बो के उसको लोड करना पड़ता, फिर बो करके दुकान तक पहुंचा करके फिर उसको खाली करना पड़ता। तो इतना ज्यादा दुआएं और मनोकामना ही मांग दी कि जिसके वजह से आज कुछ कामे नहीं मिला। तो अभी चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ। देखिए सुबह का दाल बना हुआ था तो दाल बचा हुआ है, और बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ तने मैंने सब्जी था ना, भुंजिया की काची बना था, चना का सब्जी था तो वो खत्म हो गया। तो अभी देखिए पानी और भात है, और यहाँ पे देखिए प्याज ले ली है, तो अभी प्याज काटेंगे। तो फाइनली आज पारो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ दोस्तों टाइम है ना, यहाँ टाइम देखिए कितना 5 बज गया। लेकिन इतना ज्यादा भूखे लग रहा है ना कि एकदम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आ गया है। तो चलिए अभी हाथ मुंह को धोवाते हैं और फिर खाना वाना खाते हैं। टेम्पू छोड़ दिए हैं रोडे में, तो फिर खा पी कर जल्दी पल्दी जाएंगे। और एक मान तो कर रहा था कि गाड़ी अंदर कर दे क्या, लेकिन फिर भी अभी 1 घंटा समय है, 6 बजे तक रहेंगे, उसके बाद 6 बजे बाद अंदर कर देंगे, चाहे जो होगा हो चाहे ना हो 6 बजे अंदर कर देंगे। तो चलिए अभी मुंह कान धोवा लेते हैं और अभी खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा एनर्जी आएगा क्योंकि बोलने का भी मन नहीं कर रहा है भूख के मारे। तो इधर देखिए अपना भात जो है सो लग गया है यहाँ पे। अभी देखिए प्याज लगा हुआ है और पानी भात। तो दोस्तों अभी गर्मी के मौसम में मतलब भात भी ठीक लगता है, लेकिन फिलहाल अभी जब कंडीशन खराब रहता है तो ऐसे ही होता है। तो और ऋषि बाबू का क्या चीज गिर गया है, क्या चीज गिर गया, पानी हमको ला दे रहा है, ये देखो टॉयलेट किया। तो अभी फटाफट से खा लेते हैं, पहले पेट में दौड़ रहा है ना चूहा, उसको मिटाते हैं। तो अभी देखिए क्या है मजा, लेकिन गर्मी में पानी भात बोतल भात खाने में बहुत मजा आता है, और अगर कोड़ार साग रह जाता ना, कोई साग वगैरह रह जाता तो और भी मजा आता है। चलिए खाते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कल जो आम खरीदे थे ना पूजा के लिए, तो वही बचा हुआ है, तो उसको अभी मुनिता जी काट रही है, अभी सुबह से बैठल है, गए ट्रांसपोर्ट में, वहां 1 घंटा रहे, उसके बाद वहां से आ करके यहाँ बैठे, ये बैठा ले दिन भर लकड़ी ताल में। गाड़िया नहीं आया ना, कल भी नहीं आया, तो माल उल है ये नहीं है, तो इसीलिए पूछे बात किए, बोला अभी नहीं है। और कल पूजा हम लोग बिजी थे तो कल फोन आ रहा था, आज काम करने निकले था पूछो नहीं, तो कोई नहीं, ऐसा होता है अपना धंधा में ना, अपना काम धंधा में ऐसा ही होता है, कभी मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है, फिर कभी ऐसा होता है कि मतलब कुछ भी नहीं कमाइएगा, खाली यहाँ पे ही रह जाइएगा। तो चलिए अभी खाते हैं फटाफट से खाना, खाना पीना खा लिए हैं, और अभी अब जा रहे हैं टेम्पू के पास। तो टेम्पू वहाँ अकेले इकलौता खड़ा है ना, रोडे किनारे है, तो अभी चलते हैं और वहाँ गाड़ी के पास। और यहाँ पे देखिए लगभग दोस्तों आधा घंटा हो ही गया, और 5:30 बज गया ना, तो देखिए 25 हो गया, तो 5:25 हो गया। तो अभी चलते हैं, अब सोच रहे हैं कि जब दिन भर में कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या होगा। तो अभी हो सकता है कि जाएंगे तो आधा घंटा रुकेंगे, नहीं तो मन का मर्जी है भाई, अब जाएंगे तो दिमाग खराब होगा तो लाएंगे चुपचाप अथी कर देंगे। सुबह से खाली हाथ हुआ तो अब क्या होने वाले है, आधा घंटा में क्या होने वाले है, रात में क्या काम मिलने वाले। तो वही सुबह से आज खाली है हाथ रह गए, नहीं तो कोई फायदा हुआ नहीं, आज पूरा कंगाल रह गए। अपना धंधा में यही होता है, लेकिन इसमें चिंता घबराने वाली कोई भी बात नहीं होता है, क्योंकि जो है ना कि अपना धंधा में कभी खुशी तो कभी गम, कभी कमाई तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये तो मतलब अच्छी खासा कमाई हो जाता है, नहीं तो फिर कभी नहीं होता है। अपने गाड़ी के पास दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, और देखिए किस तरह का भीड़ भड़कम वाला जगह है ना, इस तरह से चारों तरफ गाड़ी है, और इधर अपना रांची है, अंदर में घुस सकते हैं इधर मेन रोड पर है ना, और इधर तो आप लोग इधर साठी टाँग साथ जा सकते हैं, रातू रोड साठी टाँग इस तरफ। तो इधर देखिए कितना सारा भीड़ है, और ये अभी हम लोग
खड़ा है दोस्तों किस्ता मोड़ जो है लकड़ी चाल जगह का नाम है लक्ष्मी नगर, तो उसी गली पे हम लोग अभी खड़ा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अभी 5:30 तो बज ही गया, खाना वाना खा करके आ गए हैं और उसके बाद देखते हैं कि मतलब क्या होता है, फिर तो गाड़ी वाड़ी जो है तो अंदर करेंगे। तो आज तो भाई कान पक गया के वाला गाड़ी का आवाज सुन सुन के, इतना पाँव पो और ऐसा यार पहली बार हुआ कि यार दिन भर दिन खड़ा रह गया लेकिन किसी तरह का कोई ट्रीट नहीं मिला, ऐसा पहली बार हुआ है। कल जबकि कल पूजा था, कल बिजी थे तो कल फोन आ रहा था, और आज ये जब काम करने निकले था कुछ भी कोई काम नहीं है, आज तो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हाथ हो गया है ना, तो गाड़ी का किसी ही नहीं निकला। तो चलिए कोई नहीं और देखते हैं, 15-20 मिनट रहेंगे क्योंकि 5:30 हो ही गया था, तो 6 बजे तक रहेंगे और फिर गाड़ी वाड़ी अंदर करेंगे और मानते हैं कि जिस दिन किस्मत में नहीं होगा उस दिन नहीं मिलेगा, तो आज किस्मत में नहीं था इसीलिए। तो फाइनली पेट पूजा हो गया तो थोड़ा आराम मिल रहा है, तो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा, जो होना होगा आधा घंटा में होगा, नहीं तो फिर खाली हाथ कुछ भी नहीं है ना। छोटी सी उम्मीद लेकर के आधा घंटा भी बैठ गया लेकिन आज वो भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी समय शाम का 6 हो गया है और अभी देख सकते हैं पूरे आप शाम हो गया है ना, तो पूरा शाम हो गया है दोस्तों, 6 बज गया है। और आज कहते हैं ना कि किस्मत जब टूटा हुआ रहेगा ना तो भाई कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो बस वही चीज है कि आज दिन भर दिन फोकट में खाली रह गया और बिल्कुल भी खाली हाथ रह गया, तो आज कुछ भी नहीं हो पाया। तो अभी चलते हैं, अब मूड तो और खराब हो गया क्योंकि एक छोटी सी विश्वास भी जो था ना वो भी नहीं हुआ, तो इतनी गंदी किस्मत यार ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो चलिए अभी आपसे कुछ होना नहीं है, तो अब चलते हैं गाड़ी अंदर करते हैं। तो आई होप कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ठीक है।